आज के वीडियो का हमारा विषय है पाठ 9 कक्षा 4 से जुड़े कुछ अन्य प्रश्न, चिंतन पर आधारित प्रश्न। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है कि धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना ठीक क्यों समझा होगा, और धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था। धनी को यह कैसे मालूम हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपने चिंतन, आप खुद से सोच कर लिख सकते हैं। इन प्रश्नों का कोई सटीक उत्तर पाठ में नहीं दिया गया है। आपको इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पाठ को कई बार पढ़ना पड़ेगा और पाठ के भीतर छिपे हुए पहलुओं को देखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं पहला उत्तर क्या हो सकता है। गांधी जी से सुबह के समय बात करना धनी ने क्यों ठीक समझा होगा। तो धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना ठीक समझा होगा। सुबह के समय गांधी जी आश्रम में रहते टहलते थे, उस समय उनके पास कोई काम नहीं होता था। धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना ठीक समझा होगा क्योंकि सुबह के समय गांधी जी आश्रम में टहलते थे, उस समय उनके पास कोई काम नहीं होता था। अगला प्रश्न दूसरा है कि धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था। धनी बिन्नी को हरी हरी घास खिलाता था, बर्तन में पानी पिलाता था, आश्रम में उसको लेकर घुमाता था, उसका पूरा पूरा ध्यान, पूरा पूरा ख्याल रखता था। तीसरा प्रश्न है, धनी को यह कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। धनी को यह कैसे मालूम पड़ा होगा कि भला आश्रम में कोई योजना बनाई भी जा रही है, और योजना जो दांडी यात्रा के विषय में बनाई जा रही थी, वह धनी को कैसे मालूम पड़ा होगा। तो इसका उत्तर हो सकता है कि आश्रम में सभी लोग गांधी जी के साथ बैठकर गंभीर बात कर रहे थे। आश्रम में जितने भी लोग थे उन सभी के साथ गांधी जी का चिंतन मनन, विचार और विमर्श चल रहा था। गांधी जी उन्हें कुछ न कुछ निर्देश भी दे रहे थे, और गांधी जी उन्हें कुछ न कुछ समझा भी रहे थे, कुछ न कुछ निर्देश भी दे रहे थे। इन सब से धनी को लगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। यह सब देख करके धनी को लगा कि आश्रम में कोई ना कोई योजना जरूर बनाई जा रही है। तो आप इन सभी प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे पाठ 10 के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।